नमस्कार, बिजनेस आज तक देख रहे हैं आप। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। सितंबर में टोल कलेक्शन प्री कोविड स्तर से भी ज्यादा हुआ। फरवरी के 10 करोड़ के मुकाबले सितंबर में नेशनल हाईवेज पर 11 करोड़ वाहनों की आवाजाही। कॉर्पोरेट कर्जदारों के मामलों की सुनवाई अब एक जगह होगी। अनिल अंबानी के सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने के बाद सुनाया जाएगा फैसला। वीकेंड पर घरेलू यात्रा करना चाहते हैं 40% भारतीय, अब डील की जगह सुरक्षा और रेटिंग बनी टूरिस्ट की प्राथमिकता। 7 नवंबर को इस साल की पहली सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो, प्राइमरी सैटेलाइट EOS-01 और 8 कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक जारी रहेगी रोक, DGCA ने कोरोना के मद्देनजर किया फैसला। भारत में स्मार्टफोन की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, सैमसंग ने शाओमी को पीछे छोड़ा। इंफोसिस बनी कार्बन न्यूट्रल, कंपनी ने 2030 के लिए एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस विजन का ऐलान किया। गुरुवार से शुरू हुई फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल, 4 नवंबर तक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मोबाइल, लैपटॉप पर मिलेगी भारी छूट। कोटक महिंद्रा बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, 3 वर्षों में DSP फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और निपुण म्यूचुअल फंड में आई भारी गिरावट का मिला फायदा। जुलाई सितंबर की तिमाही में APL अपोलो का मुनाफा 72% बढ़ा, बिक्री में भी 32% का इजाफा। कोरोना की दूसरी लहर यूरोप और अमेरिका में कहर बरपा रही है। संकट के बढ़ने की आशंका के बीच भारत की इकोनॉमी भी घबरा गई है। मुश्किलों में लॉकडाउन के असर से उबरने के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना का एक और कहर सहन करने का साहस ही नहीं है। आखिर क्या है ये सेकेंड वेव और कितना इसे डरने की जरूरत है, देखिए रिपोर्ट। कोरोना से निपटने में भारत सफल होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये कंट्रोल हुआ है तो आर्थिक मोर्चे पर भी इस जंग को जीतने के संकेत मिले हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर के आने से भारत में इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ गई है। The economy and the health or the COVID is very much connected to each other and there's a very strong correlation between the two. The moment we see that this will go down, the economy and the sentiments will start looking up. We have to take all precautions. Only if we take precautions will we be able to survive this COVID pandemic surge, which has happened again, say, in Europe and has caused some alarms to our country also, especially with the winters setting in. ये समझना जरूरी है कि महामारी से जुड़ी शब्दावली में सेकेंड वेव या दूसरी लहर क्या होती है। पहली लहर में संक्रमण एक ग्रुप को होता है, फिर केस घटते हैं। इसके बाद अचानक आबादी के दूसरे ग्रुप में केस सामने आते हैं। ये पहले से तेज रफ्तार से बढ़ते हैं, जिसे दूसरी लहर कहते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इस समय केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कोरोना की दूसरी लहर है। इस वजह से भारत में भी इससे सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल कोरोना का आगाज इन देशों में पहले हुआ था और इसके बाद ये भारत आया था। वहां पर ये भारत से पहले पीक पर पहुंचा था। अब इन देशों में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई है, उससे भारत में इसके आने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अमेरिका और यूरोप में अगर सेकेंड वेव कोरोना की आ सकती है तो इंडिया में तो जरूर आ सकती है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और डेफिनेटली हम कोई इम्यून नहीं है कोरोना से। ये हमने फर्स्ट वेव से भी देख लिया है। तो ये हमें पता है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, प्रिकॉशंस हमें सारी रखनी है, वरना सेकेंड वेव भी आएगी, आ सकती है, जिसके लिए हमें सतर्क रहना है। तो प्रदूषण में और सर्दियों में वैसे ही सांस की जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दशहरे और दिवाली का भी जो प्रदूषण होता है उससे सांस की तकलीफ वाले लोग बहुत परेशान होते हैं नॉर्मल सिचुएशंस में भी। तो जो कोविड है, जो कोरोना है, वो भी सांस की बीमारी है। तो कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली ये पोल्यूशन के मौसम में बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए हमें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना की दूसरी लहर इकोनॉमी पर सबसे बड़ा प्रहार करेगी। RBI गवर्नर साफ कह चुके हैं कि इसके बाद इकोनॉमी को पटरी पर लाना बेहद मुश्किल होगा। इस वजह से दूसरी लहर को लेकर सावधानी जरूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों ने दूसरी लहर को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया है। सोशल गैदरिंग पर बैन लगाकर नए आइसोलेशन नियम जारी किए गए हैं। हाई रिस्क देशों से आने वालों के लिए 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन है और बिना मास्क के दिखने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली के लिए ट्रैवल वार्निंग दी गई है।
भारत में फिलहाल दोबारा लॉकडाउन के हालात तो नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 90% लोगों को अब भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खतरा है। टेस्टिंग लैब की माने तो अभी मामले कम हुए हैं, लेकिन सेकेंड वेव हमेशा बड़े खतरे को लेकर आती है। सेकेंडरी वेव फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो ज्यादा मोमेंटम कैरी करके चलती है और पहले से बीमार सिस्टम को ये स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करते हैं। भारत में आने वाले 3 से 4 महीने बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं क्योंकि एक तो सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है जिसमें रेस्पिरेटरी वायरस में भी स्पाइक आता है, सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है, फेस्टिव सीजन, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और सबसे अहम है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर तथा सिस्टम बहुत थक चुका है, उस पर भी हमारे पास आज भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यानी कोरोना से निबटना आसान नहीं है और केवल वैक्सीन ही इससे पीछा छुड़ाने का अकेला रास्ता है, तभी जान और जहान की बाजी जीती जा सकती है। आज तक ब्यूरो। मोरेटोरियम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार हो गई और इसके बाद सभी कर्जदारों को 5 नवंबर तक ये रकम वापस मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने 29 फरवरी को खाते में मौजूद बकाया रकम को आधार रकम माना है। इसी रकम के आधार पर ब्याज की वापस की जाने वाली रकम की गणना होगी। लोन मोरेटोरियम यानी ईएमआई चुकाने में मिली राहत पर मौजूदा दुविधा को अब सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। सरकार ने इस पर 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों को मिली राहत पर उठे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे पहले तो लोगों में ये कंफ्यूजन था कि आखिरकार रकम वापसी के लिए कैलकुलेशन किस आधार पर की जाएगी। इस पर छाई धुंध को साफ करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि अनुग्रह राहत भुगतान योजना में कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच अंतर के लिए 29 फरवरी को बकाया कर्ज को आधार बनाकर गणना की जाएगी। ये बकाया रकम 5 नवंबर तक सभी योग्य कर्जदारों के खाते में आएगी, जिसके लिए आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्याज पर ब्याज माफी योजना पर वित्त मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले सवाल यानी FAQ जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि इसके तहत MSME, शिक्षा, होम लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन पर राहत दी जाएगी, लेकिन बाउंड्स, FD और शेयर्स को गिरवी रखकर लिए गए कर्ज पर इस राहत का फायदा नहीं मिल पाएगा। इस योजना का फायदा ऐसे कर्ज वाले खातों पर मिलेगा जिनमें लोन बकाया 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसमें सभी बैंकों और वित्त संस्थानों से लिया गया कर्ज शामिल होगा। इस तरह के कर्ज खाते 29 फरवरी 2020 को NPA नहीं होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लोन मोरेटोरियम का फायदा नहीं लेने वाले कर्जदारों को भी राहत मिलेगी, यानी जिन लोगों ने 1 मार्च से 31 अगस्त तक अपनी EMI चुकाई थी उन्हें भी 29 फरवरी के कर्ज की रकम के हिसाब से रकम मिलेगी। इसके लिए भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी कर्ज की रकम पर 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, इसके सिंपल इंटरेस्ट से घटाया जाएगा। इसके बाद जो रकम आएगी वो 5 नवंबर तक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब ये रकम सबके कर्ज की रकम के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे MSME के लोन्स होंगे, हाउसिंग लोन होंगे, कंज्यूमर लोन्स होंगे, क्रेडिट कार्ड लोन्स होंगे, तो इस तरह की 8 कैटेगरी के लोन्स हैं, इन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि 5 नवंबर से पहले बैंकर को कस्टमर के अकाउंट में पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसके बाद 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट जो बैंकर है वो अपना क्लेम है वो लॉन्च करेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, उसके बाद अगर वो एलिजिबल होगा उस नॉर्म्स के हिसाब से पेमेंट हुई है तो गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स कर देगी। तो इस पर ये वेलकम स्टेप है क्योंकि फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा मनी जो लोगों के पास आएगी, तो जब एक्स्ट्रा पैसे आएंगे लोगों के पास तो वो स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी में बूम आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस रकम को खर्च करने के लिए फेस्टिव सीजन के मौके को जरूर भुनाना चाहेंगे, जिससे इकोनॉमी को फिर से एक बूस्ट डोज मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।